मैं आपको मेरी गोल्ड गेंदा लगाना दिखाऊंगा। बहुत आसान है, आपने एक गमला लिया, उसके अंदर आपने प्योर बालू मिट्टी, आप उसको भल भी कह सकते हैं, उसको वारी भी कहते हैं, जो फाइन सैंड होती है, वो आपने उसमें डालनी है। आपने गेंदे का बीज लिया, ये देखिए गेंदे का बीज, आपने लेकर इसको सैंड के ऊपर गिरा दिया। आपकी स्किल अगर कम है तो आप कम लगाएं, हम काफ़ी कुछ बीज एक ही गमले में डाल देते हैं, तो आप कम बीज डालें, क्योंकि जब सेपरेशन का टाइम आता है तो आप उसको ख़राब ना कर दें। ये किया, ऊपर से मैंने इसको कंपोस्ट से कवर कर देना है। कंपोस्ट से आपने इसको कवर कर दिया, अब आप इसको पानी दे दें। पानी दे दिया, ख्याल रखना होगा, आपको देखना है कि ऐसे ना हो कि पानी देने से कंपोस्ट हट जाए और बीज ऊपर आ जाए, ये आप देख लीजिएगा। कंपोस्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी से क्यों नहीं उसको कवर करते हैं, क्योंकि कंपोस्ट सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, जब बीज फूटता है उसमें से नई कोपल फ्रेश छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा होता है, तो वो अपना रास्ता आराम से बना लेता है थ्रू द कंपोस्ट। मिट्टी सख्त भी हो सकती है, भारी भी हो जाती है, उसमें से वो ना निकल सके। कंपोस्ट से आपने कवर कर दिया, अगर आपने देखा कि सीड ज़ाहिर हो गया है, इसका मतलब है आपने कंपोस्ट कम डाली थी। अगर नहीं निकले तो हो सकता है कि आपका कंपोस्ट बहुत ज़्यादा हो गया हो, या सीज़न सही नहीं, या बीज सही नहीं, तो आपको वो एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। कुछ अरसे के बाद आपकी जो पनीरी है वो बड़ी होकर इस तरह हो जाएगी। अच्छा, याद रखें, जो पैकेट है उसको सेव कर लें, लकड़ी लगा के उसके ऊपर एज अ मार्कर यूज़ कर लें। अब आपकी पनीरी तैयार हो गई है, आपने इसको गमले से निकालना है। आपको नज़र आएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये बालू मिट्टी है, ऊपर कंपोस्ट है, जैसे मैंने लगाया है इस वक्त, इसी तरह ये भी मैंने लगाया है, और ये अब तैयार है ट्रांसप्लांट के लिए। ज़रा बड़ा हो गया है, इनफैक्ट इसको चार पत्तों में जो है आपको ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बड़े आराम से ये अलग हो जाती है, अगर बालू मिट्टी में लगाया हुआ हो, चिकनी मिट्टी थोड़ी सी सख्त होती है, वो चिपक जाती है जड़ों पर, आप उसको इतने आसानी से जो है बग़ैर डैमेज किए हुए नहीं निकाल सकते। बड़े आराम से आपने पकड़ना है, आप पत्ते से भी पकड़ लें उसको। आपने खाद मिट्टी मिक्स वाला गमला तैयार किया है मैंने, इसमें तीन हिस्से जो हैं मिट्टी के हैं, एक हिस्सा खाद का है, अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ है। इसको आप लगा दें, आप बड़े गमले में लगाना चाहते हैं बड़े गमले में लगा दें, ज़मीन में लगाना चाहते हैं ज़मीन में लगा दें। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर बड़े गमले में लगा रहा हूँ, कुछ पौधे मैं निकाल के अपने वेजिटेबल पैच में लगा दूंगा, वो जब बड़े हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। वेजिटेबल पैच में गेंदा, जी जी आपने सही सुना, वो इसलिए कि वेजिटेबल पैच में जब ये फूल देंगे, ये बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स जो हैं इंसेक्ट्स खा लेते हैं, ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और ख़ूबसूरत भी लगता है, आपके सब्जियों के बीच में एक आध फूल खिला हुआ, इट लुक्स वेरी नाइस। इसको आप ज़मीन में लगा दें, गमलों में रखें, जैसे आपकी मर्ज़ी, ये ग्रो करना शुरू करेगा, हो सकता है बहुत जल्दी ये एक आध कली निकाल दे। आपने कली तोड़ देनी है, जब आप कली तोड़ेंगे तो वो और शाखें निकालेगा, और पत्ते निकालेगा, और कलियां निकालेगा। अगर इब्तदा में आपने फूल छोड़ दिया, चार पाँच फूल देकर पौधा बस कर जाएगा। अगर आप इनिशियली उसके दो तीन चार फूल तोड़ देंगे तो वो आगे बढ़ के, आजकल तो हाइब्रिड वैरायटीज़ मिल रही हैं, ये तो बहुत फूल देते हैं, 50-50 या उससे भी ज़्यादा फूल, और अच्छे बड़े वाले फूल लगे हुए होते हैं, आपकी जगह बड़ी खूबसूरत लगती है। मैरीगोल्ड हर गार्डन में लगा हुआ होना चाहिए, उसके कलर्स इतने वाइब्रेंट हैं, इसमें येलो, ऑरेंज और गोल्ड आमतौर पर मिलता है, इसमें एक वाइट भी आ गया है, बट ये कलर्स जो हैं आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना के रखते हैं।
इट्स सो ईजी टू ग्रो। आपने उगाया है? नहीं तो फौरन जाके बीज लें। इसका सीज़न हम तो जून के महीने से लगाना शुरू कर देते हैं। गर्मी ज़्यादा हो साए में लगा दें इसका बीज, साए में पुटाव कर जाएगा। ये अगस्त ऑनवर्ड्स इसका हमें फूल मिलना शुरू हो जाता है और ये विंटर्स में फरवरी तक मार्च तक फूल देते हुए रहते हैं। इसको आप वक्फे वक्फे से अपने पास गार्डन में लगाएं ताकि एक का भी फूल ख़त्म हो जाए, दूसरा फ्लावरिंग के स्टेज पर आ जाए। याद रखिए कोई भी चीज़ आप लगा रहे हों, कोई भी गार्डनिंग का काम कर रहे हों, पानी देना बेहद ज़रूरी है। बातें बाद में होती रहेंगी।